नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और आप देख रहे हैं विजार्ड एजुकेशनल चैनल। अभी पिछले सत्र 2017 में दिसंबर में आपने आयकर गणना प्रपत्र जो दिया होगा आपने, जिस पर जारी होता है 16 नंबर, जिसमें आपने विगत वर्षों में आपको जो एरियर मिला है, जिसे 2012 टीचर्स जो भर्ती हुई थी, 2012 टीचर्स को जिनमें सितंबर 14 से उनको एरियर मिला था, जिसका आपने 10E सबमिट भी किया होगा, फॉर्म 10E आपने सबमिट किया होगा, और इसके अकॉर्डिंग धारा 89 US 89 की छूट का नियम जो होता है, इसके अंतर्गत आपने इस तरीके से जो आपको एरियर मिला उसका डिविडेशन भी आपने किया होगा, तो उस नियम के अंतर्गत आपको रिफंड किस तरीके से प्राप्त करना है, उसमें कौन से ऑप्शन में आपको 10E में सबमिट आपकी जो टैक्स डिडक्टेड हुआ है उसका 100% रिफंड किस तरीके से लेना है, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये वीडियो मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप इनकम टैक्स रूल्स को फॉलो करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डिसलाइक करने का कारण लिखना होगा ताकि मुझे सुधार करने का मौका मिले। इसमें आपको किसी भी टाइप का एरियर मिला हो, जैसे फिक्सेशन एरियर हो या वेतन विसंगति के संबंधित कोई एरियर हो, या आपका फिक्सेशन नहीं हुआ हो या बाद में हुआ हो, या SEP लगी हो और उसका बेनिफिट आपको बाद में मिला हो, तो उसमें धारा US 89 की छूट का नियम जो लागू होता है कि यदि कर्मचारी को गत वर्ष का कोई एरियर इस वर्ष में प्राप्त हुआ है तो गत वर्ष में कर योग्य होगा, बशर्ते वह राशि उपार्जित होने वाले इस वर्ष में पहले ही कर योग्य न की गई हो, तो एरियर पर धारा 89 छूट का दावा किया जा सकता है। उसको इस तरीके से कैसे डिवाइड करना है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले अपलोड किया हुआ है, उसकी भी वो भी आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएगा। और US 89 की छूट का जो नियम है वो इसमें लागू होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है आपको एरियर मिला है उसका बेसब्री से इंतज़ार होता है कि अपन को इसका रिफंड कब मिले, क्योंकि आपका जो टैक्स जो लीगल है उसके अलावा भी आपका टैक्स कटा है, इसमें एरियर में आपको सैलरी के साथ में काट लिया गया है, तो उसका रिफंड बनता है अपन को जो लेना है। मुझे कई फ़ोन कॉल्स भी इसके बारे में आ चुके थे और मेरे चैनल पर कमेंट भी थे कि सर इसका 10E किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं और अपन US 89 जो धारा है उसका उसकी छूट नियम के अनुसार अपन इसकी वापस रिफंड कैसे ले सकते हैं, अपना जो टैक्स डिडक्टेड हुआ है उसका रिफंड अपन कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पर अपना यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 2018-19 का। इसमें वीडियो ये बहुत ही लंबा हो जाता है, जिसमें बोरिंग फील भी होता है और जो YouTube रूल्स के अनुसार भी इतना वीडियो अपन अपलोड नहीं कर सकते हैं। वीडियो इसीलिए शॉर्ट में बनाया जा रहा है। पहले भी मेरा ITR को किस तरीके से सबमिट करना है उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ पर आपको सैलरी, ग्रॉस सैलरी सबमिट करनी है, अलाउंस अगर एक्स्ट्रा आपको जो भी मिला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि US धारा 89 छूट का जो नियम है उसके अंतर्गत 10E आप यहाँ पर रूल्स US 89 ब्रैकेट 1 प्लीज़ इंश्योर द सबमिट फ्रॉम 10E। यहाँ पर जो 10E आपने जो सबमिट किया है, जो इसमें आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट भी आपने बताया है, और यहाँ पर 8 पॉइंट रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) इंडिकेटेड डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट मेंशन्ड अगेंस्ट फ्रॉम 6-7, यानी कि इन दोनों कॉलमों के अलावा ये टैक्स जो डिडक्टेड हुआ है इसको अपन को रिफंड कराना है। ग्रॉस जो अपन को एरियर मिला है वो अपन यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर कॉलम 12 में टोटल टैक्स पेड जो आपका आपको पेड करना है ग्रॉस सैलरी के अनुसार, और यहाँ पर रिफंड है जो आपका एटो शो करेगा, जो यहाँ पर स्पष्ट है टैक्स पेबल, जैसे 31,000 का टैक्स था
और रिफंड यहाँ पर जो 100% रिफंड है यहाँ पर जो बताया गया है 7E से 6 कॉलम में। तो इस तरीके से अपन आसानी से 10E के अंतर्गत जो अपना टैक्स कटा है उसका रिफंड अपन आसानी से ले सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक्स।